ऋचा जोगी के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में मचे बवाल को लेकर ऋचा जोगी का भाई ऋषभ साधु मुंगेली पहुंचे और जांच समिति को ऋचा की तरफ से कुछ दस्तावेज पेश किए। जोगी के भाई साधु ने कहा कि हम लोगों को मामले में किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ मीडिया में खबर देखकर दस्तावेज पेश करने आया हूँ। हालांकि साधु ने कुछ और दस्तावेज पेश करने के लिए समिति से समय मांगा है। इधर जांच समिति ने ऋचा को 12 अक्टूबर तक का समय दिया है। मामले में कलेक्टर का कहना है कि कोटवार से नोटिस की तामीली कराई गई है और ग्राम पंचायत छनोता में दीवार पर नोटिस चिपका दिया गया है। अलग से जांच समिति बनाने के मामले में कलेक्टर ने कहा है कि अलग से जांच समिति बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही जिला स्तर पर समिति बनी रहती है, वही जांच कर रही है। यहाँ पे आके मैंने डिपार्टमेंट में बताया कि मैं जवाब देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने समिति के पूरे मेंबर्स को, जितने भी मेंबर्स थे, सभी मेंबर्स का नाम तो मैं नहीं जानता, ना ही उनका कोई नॉलेज है मुझे कि वो किस पोस्ट में थे, क्या थे, और उनके समक्ष जो भी उनका डॉक्यूमेंट मांगा गया था उन्हों मैंने प्रदान कर दिया। ऋचा रूपाली साधु की तरफ से उनके भाई ऋषभ राज साधु उपस्थित समिति के समक्ष उपस्थित हुए थे। उसके बेसिस पे जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने आज उनको सभी जो दस्तावेज की कॉपी उन्होंने उन्होंने उनको मध्य प्रदेश